तो क्या बोलती पब्लिक? ओ भाई इज्जत से, थोड़ा इज्जत से, भूल गया ये ब्लडी सत्य? हाँ तू, ये अपन का स्टाइल है, मतलब अपना स्टाइल ना अपने घर पे रख के आना, यहाँ पे ये सब लैंग्वेज नहीं चलती, समझ में आया? झूठे, तू तो देता ही नहीं अंधा चोर। सुधार ले, नहीं तो चैनल से बाहर, समझा? पब्लिक अपुन को बोलेगी ना तो अपुन सुधार लेगा, लेकिन आज तू बोलता है। देख, तू अपुन के बचपन का दोस्त है, इसलिए आज तू बोलता है तो आज इज्जत से, आज पूरी फुल इज्जत से, ठीक है? तो देख, तेरे को सुबह से टेंशन लगेला है, सॉरी लगा हुआ है कि अपुन कब यहां से तेरे घर से निकल के जाएगा। तो अपुन तेरे को एक बात बताता है कि अपुन ना तेरे को एक कहानी सुनाएगा। कहानी? और उस कहानी से जुड़ा हुआ सवाल ना अपुन तेरे को एकदम कहानी के एंड में पूछेगा। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं नहीं, मतलब उसमें ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये है कि तेरे को वो सवाल का जवाब गलत देना है। अगर तूने वो सवाल का जवाब दे दिया सही तो अपुन यहीं पे रहेगा, अपुन घर वर नहीं जाएगा, अपुन तेरे घर पे इस डेरा डाल के रहेगा। बोल मंजूर? तो हाँ, तो चल आज की कहानी अपुन तेरे को सुनाते हैं, ठीक है? लेकिन आराम से थोड़ा, ओवर एक्टिंग कम कर थोड़ी। हाँ हाँ, चल आराम से। तो आज की कहानी है वृषिता नाम की लड़की की। वृषिता नाम की लड़की जो कि बचपन में क्या, अभी भी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। अब जो उसके मम्मी पापा थे वो उसके दादाजी के, मतलब अपने मेन घर से बिल्कुल अलग रहते थे। ओ, होता है ना कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तो उनकी क्या न्यूक्लियर फैमिली थी। लेकिन बचपन में जो अपनी वृषिता है उसको अपने दादाजी के घर पे आना जाना बड़ा पसंद था, हमेशा जाती रहती। अरे जब भी गर्मी की छुट्टी लगे वो अपने दादाजी के घर पे घूमने जाती थी। अब क्या होता था कि जब भी वो दादाजी के घर पे जाए तो दादाजी उसके लिए मस्त मस्त खाने बनवाए, मस्त मस्त पकवान बनाए, मस्त मस्त जगह घूमवाए, वो भी बड़ी खुश होती थी। बच्ची थी ना, 7 साल की उम्र से वो बहुत जाना शुरू कर दी थी। अब ये जो केस है ना, ये वृषिता के साथ उसकी 9 साल की एज में हुआ। दरअसल जो वृषिता थी ना, वृषिता के 2 भाई बहन थे, है ना? एक बहन थी, एक भाई था। उसमें सबसे छोटी वृषिता बड़ी समझदार, हर चीज की मतलब एकदम ऐसे समझदारी से कोई भी काम करती थी, ठीक है? तो अब क्या था कि तीनों भाई बहन को, और इनका एक और कजिन भी था लेकिन वो भी वृषिता से बड़ा, तो ये चारों भाई बहन को ना, मतलब अपने दादाजी के साथ खेलना बड़ा पसंद था। तो क्या सीन होता था, जब भी ये लोग जाते थे ना तो शाम के टाइम पे मस्त दादाजी इनको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे, जैसे अपन सुना रहे हैं तेरे को। मस्त इनको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे, डरावनी डरावनी कहानी, कभी तो परियों की कहानी। बच्चे थे ना तो सुनने भी बड़ा मजा आता था। इस बार की गर्मी की छुट्टी थोड़ी अलग हुई। क्या हुआ कि दादाजी को, मतलब आज सुबह से मतलब अजीब से बेचैनी लग रही थी। वृषिता को भी थोड़ा सा मतलब ऐसा भारीपन लग रहा था, क्योंकि वृषिता को पिछली रात में नींद ही नहीं आई थी। सीन ये कि नींद ही नहीं आई, वो वृषिता जो दिन में 10-10 घंटे सोती थी, आज मतलब 3 घंटे भी ढंग से नींद नहीं आई। पूरी मतलब मन में भारी भारी पन लेके उठ गई। सुबह से दादाजी आज टेस्टी टेस्टी खाना बनवा रहे थे, ऐसे खाने जो वृषिता को तो पसंद थे ही थे लेकिन दादाजी को भी पसंद थे। वृषिता दादाजी से बहुत प्यार करती थी ना, तो क्या हुआ कि जो दादाजी को पसंद वो वृषिता को पसंद, जो वृषिता को पसंद वो दादाजी को पसंद। तो अब क्या हुआ कि दादाजी ने बोले कि आज इधर घूमने जाने का है, घूमने भी गए। दादाजी ने बोले कि ये खाने का है तो वो खाए भी। तो अब क्या हुआ, शाम का टाइम हुआ मस्त, मतलब घर पे सब लोग बैठे बैठे, फिर सब लोग ने बोले यार थोड़ी थकान हो गई है, टीवी भी देखते हैं और अपने अपने कमरे में जाके सोते हैं। और अब जो वृषिता, वृषिता की बहन, वृषिता का भाई और वृषिता का कजिन, ये चारों लोग अपने दादाजी के कमरे में मस्त जाके एकदम पलंग में बैठ के दादाजी से मस्त कहानी वानी सुन रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं, एकदम मतलब चेस वेस खेल रहे हैं, कैरम वेरम खेल रहे हैं। पूरी रात निकाल डाले, पूरी रात नहीं मतलब आधी रात निकाल डाले, तकरीबन 1 बजे के आसपास की बात होगी। 1 बजे के आसपास मतलब दादाजी क्या बोलते हैं कि यार नींद आ रही है, अपन सोते हैं। तो वृषिता ने बोली हाँ दादाजी,
हमको भी नींद आ रही है। तू सो जाने का तो थोड़ा ठीक रहेगा। पिछली रात नींद नहीं आई, सुबह से थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है। अभी तो आपके साथ खेल लिए तो अच्छा लगा, नहीं मतलब खेल लिए तो अच्छा लगा, नहीं तो टेंशन ही बनी हुई थी। दादाजी ने बोले चलो सो जाते हैं। एकदम मस्त चारों भाई बहन सोए। इधर मतलब रुषिता, रुषिता का भाई, रुषिता की बहन, रुषिता का कजिन, और इधर पे दादाजी, मतलब ये रुषिता ये दादाजी, ठीक है। अब नींद लगी है, नींद लगे हुए लगभग लगभग एक घंटा हुआ, अचानक से रुषिता की ऐसी आंख खुलती है। रुषिता ऐसे दरवाजे की तरफ देखती है, क्या मिलता है, दादाजी दरवाजे के पास खड़े। रुषिता को लगा अरे यही तो सो रहे थे, अभी किधर चले गए। तो दादाजी को खाली ध्यान से देख रही हैं, ऐसे उठ के बैठी बिना कुछ बोले। रुषिता दादाजी को, दादाजी रुषिता को, रुषिता दादाजी को, दादाजी रुषिता को, कुछ नहीं बोलते, एक वर्ड नहीं बोलते दोनों। खाली दादाजी एक इशारा करते कुछ ऐसा, मतलब वो देख के, मतलब क्या बताऊं अभी इशारा, लेकिन देख के रुषिता को समझ में आ गया कि दादाजी बाय बोल रहे हैं। रुषिता ने सोची अरे दादाजी को क्या हो गया, अभी भी मस्ती के मूड में गया, दादाजी सो जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, वॉशरूम जा रहे होंगे, पानी पीने जा रहे होंगे, मैं सो जाती हूँ, दादाजी भी आके सो जाएंगे। ऐसा मतलब लेटी आंख बंद करके एक करवट लिए तो दादाजी बाजू में, अब भी वहां थे, अब भी बाजू में, दरवाजा उतनी दूर है, उतनी दूर दादाजी बाजू में आके सो गए एक सेकंड में। रुषिता ने दादाजी को ऐसा, दादाजी को बोलने के लिए टेंशन हो गया ना, अभी उधर थे अभी इधर आ गए, बोलने के लिए ऐसा हाथ लगाई तो दादाजी का शरीर पूरा ठंडा पड़ा, पूरा ठंडा पड़ा। अभी रुषिता को थोड़ा सा घबराहट हुई, मतलब पूरा ऊपर से नीचे, मतलब शरीर उसका थोड़ा सा कांप गया, घबराहट हो गई ना, ऐसी सिचुएशन में किसको घबराहट नहीं हो जाएगी। रुषिता ने दादाजी के इधर इधर मतलब चेस्ट पे हाथ लगाया, दादाजी की सांस नहीं चल रही थी, इतनी जोर से चिल्लाई बेचारी, बहुत जोर से चिल्लाई चिल्लाई है, पूरे घर वाले इकट्ठे हुए, दादाजी की नब्ज चेक किए, हार्ट बीट चेक किए, दादाजी नहीं रहे। अब क्या बताएं, ये तो तेरे को तो बहुत अच्छे से पता है ना, तो ये तो दुनिया की रीत है, जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो आएगा भी, तो लेकिन लगा रहता है, दुख होता है ना। देख अपुन तेरे को बताता है कि जो आत्मा है, आत्मा वो क्या है कि वो नश्वर है, उसका जन्म नहीं हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी दादाजी के शरीर में आई थी और अभी दादाजी के शरीर से निकलकर रुषिता के कोई और नजदीकी के शरीर में चली गई होगी, लेकिन क्या दुख होता है, क्या बोले। अभी पहली बार जिंदगी में बिल्कुल सही बात बोला। तो अभी सीन ये हुआ, सब लोगों ने चेक वेक किए, डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर ने बोले कि इनकी डेथ हो गई है। तो अब तू मेरे को ये बता कि ऐसा कैसे हो गया कि अब भी दादाजी यहां सो रहे थे, अब भी रुषिता को उधर दिखे थे, फिर अब भी इधर आ गए, फिर मतलब ये सीन क्या हुआ, तू मेरे को ये बता। अगर ये सचमुच में दादाजी की आत्मा थी, दादाजी की वो आत्मा थी, तो वो क्या करने आई थी, क्यों रुषिता क्यों ही अकेले दिखाई दी थी, क्यों रुषिता अपने दादाजी को देख के कुछ बोल नहीं पाई थी। अगर आत्मा आई भी थी तो आत्मा ने रुषिता को क्यों कुछ नहीं बोली थी। देख एक्चुअली क्या सीन है कि जब कभी भी कोई इंसान अगर किसी के बहुत नजदीक रहता है, अगर मान ले कोई एक्स वाई जेड इंसान किसी पर्टिकुलर इंसान के बहुत नजदीकी है, मतलब मान ले चाहे वो उसका बेटा हो, पोता हो, या फिर जो कुछ भी हो, अगर वो एक्स वाई जेड इंसान अपने बेटे या पोते से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और मान ले बाय चांस उस एक्स वाई जेड इंसान की मौत हो जाती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो पर्सन है एक्स वाई जेड की आत्मा, उस अपने चहेते को हिंट देती है, या फिर कहो कि आखिरी बार बाय कहने आ रही हो या अलविदा कहने आ रही हो, या फिर कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हो कि मैं जा रहा हूँ या फिर मैं जा रही हूँ, तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम अपना ध्यान रखना, तुम इसका ध्यान रखना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, मतलब एक तरह का वो मैसेज देने आते हैं। कुछ कुछ लोग वो मैसेज को समझ पाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। और अब जैसे तूने कि बताया कि उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि ये जो आत्माएं होती अपने लास्ट मोमेंट में, ये अपने कोई आखिरी मोमेंट जी रहे होते हैं, मतलब लास्ट मोमेंट में होती हैं, वो बोलती नहीं है, वो बात नहीं करेंगी, वो कभी भी
उनको आजादी नहीं होती अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे करने की, क्योंकि वो एक फिजिकल बॉडी नहीं है, उनके पास कोई दिमाग नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी है, वो सिर्फ एक सोल है, इसलिए वो बात नहीं कर सकती। वो सिर्फ आपको हिंट दे सकती है, और अगर उस हिंट को कोई समझ जाए तो वो सबसे समझदार इंसान होगा। सही बोला, सही जवाब दिया। अब अपुन तेरे घर पे एक और दिन के लिए रहेगा, अपुन नहीं जा रहा है। देख, अपुन ने बोला था कि अगर तूने सवाल का जवाब सही दे दिया तो अपुन नहीं जाएगा, और जो जो उसमें तू बह गया कहानी के साथ, और तूने सवाल का जवाब दे दिया बिल्कुल सही, तो अभी अपुन को एक और दिन के लिए घर हो गया। चल दया कर देता हूँ तेरे ऊपर। तो भाई लोग, ऐसा है कि ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? और पहली बार अपुन को देख रहे हो, नहीं पहली बार नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक तो करना ही, अभी इतनी देर देखो लाइक तो करना, इतनी देर देखो, ऐसा नहीं होता यार, इतनी देर देखो तो लाइक करना पड़ेगा। और अभी क्या है, देख तेरे लिए एक और अपन एहसान कर रहे हैं। देख भाई लोग, मन में जो भी ऐसी बात आ रही है, ऐसी कहानी है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि अपन अपने वीडियो में ऐसा शेयर करें और उसका जवाब मतलब ऐसा निकल जाए, मतलब तो वो बात, वो कहानी आप मतलब किधर, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली उधर पहुंचोगे, मस्त कहानी वानी लिखना। देखो अपुन की स्टाइल ऐसी है, देखो हाँ, अपुन माफी मांगता है, मतलब अपुन की स्टाइल ऐसी, अपुन बात ही ऐसा करता है, तो अभी बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन अभी क्या है, अभी जो बोलने का हो गया वो बोलने का ही हो गया, इसके लिए क्या कर सकता है अपुन, मतलब अभी ये क्या है, अभी इज्जत से बात करता है अभी। ये तू पागल वागल है क्या, बोले जा रहा है ये, क्या बोले जा रहा है यार? गाइस, आई एम सो सॉरी इसकी लैंग्वेज के लिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो थोड़ा समझ में आया, और इस सवाल का जवाब मिला जो इस इंसान ने, इस महान इंसान ने मुझसे किया। इस कहानी के जरिए आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, एक जवाब तो क्लियर हो गया कि कभी कभी जो आत्माएं होती हैं, या फिर कभी कभी कोई जो नज़दीकी होता है और अगर उसकी डेथ होने वाली है तो वो मैसेज कन्वे करने ज़रूर आता है कभी कभी, अगर वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो। और जिनको वो मैसेज कन्वे करने आ रहे हैं वो शायद बहुत लकी पर्सन होंगे, और वो मैसेज समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। उनका एक तरीके से आशीर्वाद उस पर्सन को लग जाता है, जो जाते जाते अगर किसी को दिखाई दिया तो उस जाने वाले पर्सन ने जिसको दिखाई दिया है उसको एक आशीर्वाद दे के चले गया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है। और बस यही कहना चाहूँगा, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या बोलूँ, अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको तो दिखाई दे ही रहा है। हम फिर से कमाल के वीडियो के साथ यहीं पर कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।